ट्रैक्टर रोबोट रिस्टोरेशन। एक बड़े से युद्ध हारने के बाद उस हार के लिए एक बेजान ट्रैक्टर रोबोट को जिम्मेदार माना जाता है और इसी कारण बिना किसी देरी के उस ट्रैक्टर रोबोट को डीएक्टिवेट करके उसके सारे अंगों को अलग अलग कर एक बक्से में बंद कर दिया जाता है। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं, वो ट्रैक्टर रोबोट वही उस बक्से में पड़ा रहता है जो कि इसका बिल्कुल भी हकदार नहीं था। लेकिन अचानक शहर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ती है। ऐसे मुसीबत के समय शहर के सबसे बड़े योद्धा यानी उस ट्रैक्टर रोबोट को याद किया जाता है। मैं अभी कहता हूँ, इतनी बड़ी मुसीबत में सिर्फ ट्रैक्टर रोबोट का ही हमें सहारा है, उसके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम उस टीन के डिब्बे को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? पिछली बार याद है ना उसने क्या किया था, उसकी वजह से हमें मुंह की खानी पड़ी थी। पिछली बार जो भी हुआ था हम इंसानों की गलती थी, हमारे रोबोट को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ये हम पर निर्भर करता है। हमारी गलती की वजह से वो आज एक बक्से में बंद पड़ा है, और अगर यही बात है तो तुम मुझे कोई दूसरा तरीका बताओ। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम एक मौका इस ट्रैक्टर रोबोट को जरूर दे सकते हैं। उस आदमी की बात सुन पूरी टीम उससे सहमत हो जाती है और एक बार फिर शहर को बचाने के लिए रोबोट की मदद लेने की ठान लेते हैं। पर उसके लिए ट्रैक्टर रोबोट को फिर से पहले जैसा करने की बहुत जरूरत थी, पर उसे बनाने वाला साइंटिस्ट ना जाने कहां गुम हो चुका था। बड़ी मुश्किल से उसे फिर से ढूंढा गया और कई सारी मिन्नतों के बाद उसे उस रोबोट को रिस्टोर करने के लिए मनाया गया। तब वो साइंटिस्ट कहता है, मुझे तुम लोगों के लिए काम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अगर गलती से भी फिर से मेरा रोबोट हार गया तो तुम मुझे और मेरे उस रोबोट को फिर से बेइज्जत करके निकाल दोगे। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पर अब बिल्कुल भी देरी मत करो, इस शहर की सुरक्षा अब तुम्हारे और तुम्हारे उस ट्रैक्टर रोबोट के हाथों में है, जल्द से जल्द उसे रिस्टोर कर दो। ट्रैक्टर रोबोट के उन पुर्जों को उस बक्से से बाहर निकाला जाता है। काफी समय बीतने के बाद साइंटिस्ट पूरी मेहनत के साथ और अपना दिमाग लगाकर फिर से उस ट्रैक्टर रोबोट को रिस्टोर कर देता है। उसे ऐसा करने में पूरे 24 घंटे लग जाते हैं। वो बिना थके बिना रुके ट्रैक्टर रोबोट को रिस्टोर करने का काम सही तरीके से पूरा कर देता है। यहाँ दूसरी ओर एक बड़े से गिरोह ने शहर पर कब्जा जमाया हुआ रहता है। ना कोई शहर से बाहर जा पाता, ना ही कोई अंदर आ पाता। उस गिरोह ने शहर में आतंक मचा रखा था। अब उनकी नजर शहर के सबसे ऊंची और शानदार इमारत पर थी। वो उस ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाके की तरफ उनका ध्यान जाता है। हर तरफ धूल मिट्टी के बादल मंडराने लगे और जैसे ही बादल छटे उन्होंने अपनी आंखें ठीक से खोलकर देखी तो बड़े ही शानदार तरीके से चलते हुए ट्रैक्टर रोबोट उन्हीं की तरफ आ रहा था। ट्रैक्टर रोबोट को देखते ही सबने अपने हथियार उसकी तरफ तान दिए और उस पर अपने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। ये देख साइंटिस्ट कहता है, ऐसे छोटे हथियारों से मेरे रोबोट को डराने चले हैं? बेवकूफ कही के, आप देखो मेरा रोबोट कैसे सबकी बैंड बजाता है। अरे ये क्या चीज है, इस पर तो हमारी गोलियों का असर भी नहीं हो रहा है। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे हम इस पर फूल बरसाकर इसका स्वागत कर रहे हैं। किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो जल्दी करो, वरना इसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि जल्दी हमारी चटनी बनाकर रख देगा ये रोबोट। उन शैतानों का डर बिल्कुल सही निकला। वो लोग आपस में ही बातें कर रहे थे कि अचानक उनके हथियार उनकी बंदूकें उनके हाथों से फिसलकर हवा में तैरने लगी और जाकर ट्रैक्टर रोबोट के पास उसके पैरों में गिर गई। देखते ही देखते ट्रैक्टर रोबोट के पैरों के पास बंदूकों का और हथियारों का ढेर लग गया। अब उस गिरोह के लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। उनकी मदद के लिए छुपे हुए लोग भी बाहर निकल पड़े और उन्होंने भी पीछे से ट्रैक्टर रोबोट पर हमला कर दिया। लेकिन ठीक पहले की तरह इस बार भी ट्रैक्टर रोबोट पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आहा, फिर से वही गलती, ये विलन्स इतने बेवकूफ क्यों होते हैं? चलो चूहे बिल से बाहर तो निकले, अब इन्हें पकड़ना और भी आसान हो जाएगा। हमें पकड़कर ये मत समझ लो कि तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। बस तुम्हें ये बता देता हूँ कि हमें पकड़ने में तुमने जरा सी देर कर दी है। हम पहले ही उस बिल्डिंग में बम लगा कर आए हैं। कुछ ही मिनटों में वो बम बिल्डिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ओह नो, मुझे जल्द से जल्द रोबोट को उस बिल्डिंग की ओर भेजना होगा, अब वही कुछ कर सकता है।
साइंटिस्ट ट्रैक्टर रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देता है और उसे बिल्डिंग की ओर भेज देता है। 2 ही मिनट के अंदर ट्रैक्टर रोबोट उस बम को अपने हाथों में लिए उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। उसके हाथों में एक्टिव बम को देखते ही सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। सारे गुंडे भी डर के मारे कांपने लगते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर ट्रैक्टर रोबोट ने उन्हें रस्सी से जो बांध कर रखा था, इसलिए वो जरा भी नहीं हिल पाते। अब बम फटने में सिर्फ 30 ही सेकंड बाकी थे। सबकी धड़कन थम गई। सबको लगा अब बम यहीं पर फटेगा और उसके साथ आसपास के लोगों और इमारतों के चीथड़े उड़ा कर रख देगा। पर तभी ट्रैक्टर रोबोट ने बम को जमीन पर रख दिया और तुरंत उस पर लेट गया। 30 सेकंड बाद बम फटा तो सही, पर ट्रैक्टर रोबोट की वजह से वो एक मामूली से पटाखों की तरह फटा। ट्रैक्टर रोबोट की पावर की वजह से उस बम की पावर फेल हो गई। ये नजारा अपनी आंखों से देखकर हर कोई दंग रह गया। बड़े ही आसानी से ट्रैक्टर रोबोट ने पूरे शहर को उस शैतानी गिरोह से बचाया था। पुलिस आकर तुरंत उस गिरोह को अपने साथ ले गई। ट्रैक्टर रोबोट के इस कारनामे के बाद उसे शहर का हीरो घोषित कर दिया गया और फिर से उसे कभी ना डीएक्टिवेट करने का फैसला भी लिया गया। जेसीबी मॉन्स्टर ट्रैक्टर रोबोट गॉडज़िला। एक दिन महेश ट्रैक्टर से शहर से गांव वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में उसका ट्रैक्टर एक बड़े बॉक्स से टकरा जाता है। उस एक्सीडेंट में महेश को या फिर उसके ट्रैक्टर को तो कुछ नहीं होता, पर उस बॉक्स से एक भयानक सा साया बाहर निकलता है, जिसे देखकर महेश कहता है, बाप रे, ये तो जेसीबी मॉन्स्टर है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से ये जेसीबी मॉन्स्टर बाहर निकल आया। अब वो जरूर हर तरफ तबाही मचाएगा। महेश तुरंत अपना ट्रैक्टर लेकर अपने दोस्त दिनेश के पास जाता है। तभी मॉन्स्टर बॉक्स से मुक्त होकर खुश हो जाता है और वो गांव में जाकर इंसानों को खाने लगता है। उसी के साथ लोगों के घर भी तोड़ने लगता है और जब उसका तबाही करने से मन भर जाता है तब वो जंगल चला जाता है। उधर महेश दिनेश को जेसीबी मॉन्स्टर की बात बताता है। तब दिनेश कहता है, अरे महेश, तुम चिंता मत करो और खुद को कसूरवार भी मत समझो। उस जेसीबी मॉन्स्टर को मारने का मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हारे ट्रैक्टर को एक पावरफुल रोबोट में बदल दूंगा, फिर ट्रैक्टर रोबोट उस जेसीबी मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। दिनेश उसी दिन अपने काम पर लग जाता है। ट्रैक्टर को रोबोट में बदलने के लिए 2-4 दिन लग जाते हैं, पर इसी बीच गांव के काफी सारे लोगों को जेसीबी मॉन्स्टर ने खा लिया था। गांव के लोग कम होते जा रहे थे और गांव में दहशत फैल रही थी। उसी दिन जेसीबी मॉन्स्टर लोगों को खाने फिर से गांव में आता है। उस मॉन्स्टर को देखकर गांव के लोग यहां से वहां भाग रहे थे कि तभी वहां महेश ट्रैक्टर के साथ आता है। गांव वालों, अब डरने की कोई बात नहीं, मेरा ट्रैक्टर रोबोट इस जेसीबी मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। अरे सुनो मॉन्स्टर, मासूम लोगों का पीछा करना छोड़ और हिम्मत है तो मेरे तरफ आ जाओ। महेश की ये ललकार सुनकर जेसीबी मॉन्स्टर महेश की तरफ मुड़ता है। तभी ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है और जेसीबी मॉन्स्टर से लड़ाई करने लगता है। पर ये क्या, थोड़ी ही देर में जेसीबी मॉन्स्टर ट्रैक्टर रोबोट को ढेर कर देता है। अब तो महेश भी डर के मारे छुपने लगता है। जेसीबी मॉन्स्टर गांव में तबाही मचा कर चला जाता है। तभी वहां गांव के बाकी के लोग भी महेश के पास आते हैं। एक गांव वाला कहता है, अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारा ये ट्रैक्टर रोबोट उस मॉन्स्टर को मार देगा, पर देखो उसने तो तुम्हारे रोबोट का ही बुरा हाल कर दिया। तभी वहां दिनेश भी आता है। ट्रैक्टर रोबोट की हालत देखकर वो कहता है, अरे मैं फिर से इस ट्रैक्टर रोबोट को ठीक करवा दूंगा और इस बार इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दूंगा ताकि वो मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार दे। तभी वहां एक हरीश नाम का आदमी आता है और वो कहता है, अब ये टीन का डब्बा उस जेसीबी मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर जेसीबी मॉन्स्टर से हमें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉडज़िला है। हम सबको उसी की मदद लेनी होगी। अब तो गांव वाले गॉडज़िला के नाम से भी डरने लगते हैं, लेकिन हरीश सबको हिम्मत देता है तो दिनेश ट्रैक्टर रोबोट को ठीक करने में लग जाता है। उसी गांव के पास एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी जहाँ हरीश जाता है और गॉडज़िला को पुकारने लगता है, पर गॉडज़िला उसकी पुकार नहीं सुनता है। हरीश मायूस होकर तब वापस गांव चला आता है। सारे गांव वाले हरीश से उम्मीद लगा कर थे, पर तभी हरीश कहता है, मैंने कोशिश की पर पता नहीं कल क्या होगा। हम सब उस मॉन्स्टर से बचते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन दूसरे दिन जैसे भी मॉन्स्टर जब अपनी भूख मिटाने गांव में आता है, तब नदी में अचानक से हलचल होने लगती है। जोरो की आंधी के साथ गॉडज़िला नदी के बाहर निकल आता है। तब उसे देखकर हरीश कहता है, अरे गांव वालों अब घबराओ मत, अब जैसे भी मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि वो देखो गॉडज़िला आ रहा है सामने से। सबके सामने से गॉडज़िला वहां आ जाता है और जेसीबी मॉन्स्टर से लड़ाई करने लगता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडज़िला जेसीबी मॉन्स्टर पर भारी पड़ता है और देखते ही देखते उसे वो मार डालता है। जेसीबी मॉन्स्टर को लेकर गॉडज़िला किसी को कोई नुकसान किए बगैर वापस नदी में चला जाता है और उसी के साथ साथ आंधी भी रुक जाती है। इस तरह से जेसीबी मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है।